जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। सौधर्म ईशान स्वर्ग के 31वें पटल में प्रभा नामक इंद्रक विमान है। उसके दक्षिण श्रेणी में स्थित 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्म इंद्र रहता है और इस विमान का नाम भी सौधर्म विमान है। सौधर्म विमान के पूर्व दिशा में वैडूर्य, दक्षिण दिशा में रजत, पश्चिम दिशा में अशोक और उत्तर दिशा में मृषत्क्षार नामक प्रकीर्णक विमान स्थित है। यह दक्षिणेंद्रों का कथन हुआ। प्रभा नामक इंद्रक विमान के उत्तर श्रेणी में स्थित 18वें श्रेणीबद्ध विमान में ईशान इंद्र रहता है और इस विमान का नाम भी ईशान विमान है। ईशान विमान के पूर्व दिशा में रूचक, दक्षिण दिशा में मंदर, पश्चिम दिशा में अशोक और उत्तर दिशा में सप्तछद नामक प्रकीर्णक विमान स्थित है। यह उत्तरेंद्रों की अपेक्षा से कथन हुआ। इन विमानों में अपनी अपनी देवांगनाओं से युक्त इंद्रों के नगर हैं। सौधर्म कल्प में 84,000 योजन व्यास वाले नगर हैं। इन नगरों की लंबाई चौड़ाई का प्रमाण समान होने से समचतुरस्त्र हैं। सभी नगर रमणीक हैं। नगर के कोट की ऊंचाई 300 योजन, विस्तार 50 योजन और नींव भी 50 योजन ही है। उन कोटों की प्रत्येक दिशा में 400-400 गोपुर हैं। प्रत्येक गोपुर द्वारों की ऊंचाई 400 योजन और व्यास 100 योजन है। इस प्रकार इंद्र के नगर के बाहर चारों ओर 5 कोट हैं। पहले से दूसरा कोट 13,00,000 योजन दूर जाकर है। दूसरे से तीसरा कोट 63,00,000 योजन दूर। तीसरे से चौथा कोट 64,00,000 योजन दूर तथा चौथे से पांचवा कोट 84,00,000 योजन दूर जाकर है। इस प्रकार 5 कोट में 4 अंतराल प्राप्त हुए। उनमें से प्रथम अंतराल में सेनापति और तनुरक्षक देव रहते हैं। द्वितीय अंतराल में तीनों पारिषद देव, तृतीय अंतराल में सामानिक देव, चतुर्थ अंतराल में आरोहक, अभियोग्य, किल्विशिकादि देव अपने अपने योग्य भवनों में रहते हैं।
पांचवें कोट से 50,000 योजन आगे जाकर चारों दिशाओं में नंदन वन है। ये वन आनंद देने वाले हैं, इसलिए इन्हें नंदन वन कहते हैं। पूर्व दिशा में अशोक, दक्षिण दिशा में सप्तछद, पश्चिम दिशा में चंपक और उत्तर दिशा में आम्र वन स्थित है। ये सभी वन 1,000 योजन लंबे और 500 योजन चौड़े हैं। प्रत्येक वन खंड में एक एक चैत्य वृक्ष है, जिसका प्रमाण जंबू वृक्ष के प्रमाण सदृश है। प्रत्येक चैत्य वृक्ष के चारों पार्श्व भागों में पल्यंकासन स्थित एक एक जिन प्रतिमा है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। उन वनों से बहुत योजन दूर जाकर पूर्व में सोम, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, इन चार लोकपालों के नगर हैं। ये सभी नगर 12.5 लाख योजन विस्तार वाले हैं। जहां लोकपाल देवों के नगर हैं, वहीं आग्नेय आदि विदिशाओं में गढ़िका महत्तरियों के नगर हैं, जो 1 लाख योजन लंबे और चौड़े हैं। इसी प्रकार अन्य स्वर्ग की रचना श्री त्रिलोक सार परमागम के माध्यम से जाननी चाहिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।